फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट। इसके बारे में डिस्कस करेंगे रूरल डेवलपमेंट। हमने कल डिस्कस किया था नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके अंदर हमारा एक टॉपिक छूट गया था, कौन सा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स है, वो भी हमारा नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही आता है। क्या होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू दैट ब्रांच। ये वो ब्रांच है किसकी? ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील विद द यूज ऑफ कंप्यूटर। जो डील करती है किसके साथ? कंप्यूटर के यूजेस के साथ डील करती है। एंड टेली कम्युनिकेशन रिट्राइव एंड स्टोर ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करती है, स्टोर करती है, ट्रांसमिट करती है। तो आईटी सेक्टर्स भी हमारा नॉन फार्म एरियाज की इंप्लॉयमेंट एक्टिविटीज के अंदर आता है। इसके बेनिफिट्स क्या है? देखो, जब से आईटी सेक्टर आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर आया है, इससे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को भी क्या हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू फार्मर्स को कॉन्टिन्यूस क्या होता है, फार्मर कॉन्टिन्यू अवेयर होता रहता है कि क्या प्राइसेस चल रहे हैं मार्केट के अंदर, इस टाइम मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, क्या सप्लाई होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फार्मर्स की भी क्या होती है, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो ये था हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो टॉपिक हमारा छूट गया था नॉन फार्म एरियाज का। अब आगे हमें करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? कन्वेंशनल ऑर्गेनिक, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर रिलाइज हैवीली ऑन केमिकल। देखो कि जो हमारे कन्वेंशनल है, जो आज का एग्रीकल्चर है, वो किसके ऊपर बिलीव करती है? हैवीली ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। कि हमें जो खाद यूज करना है, हम बोलते हैं ना जनरली यूरिया, हम इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स, जो क्या होते हैं, कीटाणु दवाइयां होती है, विच एंटर द फूड सप्लाई। मतलब कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि जो ऐसे यूजेस हैं, इनको क्या करो, एलिमिनेट करो। जब हम क्या करते हैं, हैवी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स का हम जब यूज करते हैं, तो धीरे एक साथ तो क्या होता है कि उस सॉइल से जो हम कहें क्रॉप है, बहुत अच्छी निकल कर आती है, उस लैंड से बहुत अच्छी क्रॉप आती है। लेकिन जो ये केमिकल फर्टिलाइजर है, धीरे धीरे क्या करता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो उसका उपजाऊपन है, उसको धीरे धीरे क्या कर देता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कर देता है। तो कहते हैं कि अब फिर क्या होगा, आज की प्रेजेंट जनरेशन तो क्या करेगी, इंजॉय करेगी, लेकिन फ्यूचर जनरेशन क्या करने वाली है, सफर करने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास जो भी क्या है, लैंड है, जो एग्रीकल्चर पर्पस में जिस लैंड को यूज कर रहे हैं, उस लैंड को पहले किसने यूज किया है, जो भी हमारे क्या थे बुजुर्ग है, एल्डर्स है, उन्होंने क्या किया, उसको यूज किया। लेकिन उस टाइम उन्होंने किस चीज को यूज किया था, एनिमल मैन्योर। वहां केमिकल फर्टिलाइजर की जगह किसका यूज किया, उन्होंने एनिमल मैन्योर का यूज किया, कंपोस्ट का यूज किया है, जिस वजह से उस सॉइल की फर्टिलिटी कैसी थी, अभी भी बरकरार थी। बट आज का जो मॉडर्न फार्मर है, उस लैंड से ज्यादा आउटपुट निकालने के लिए क्या यूज कर लेता है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज करता है, केमिकल वाले टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स का यूज करता है, जिससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंट भी पॉल्यूट होता जा रहा है, एनवायरमेंट भी पॉल्यूट होता जा रहा है, धीरे धीरे अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को भी क्या कर रहे हैं, खराब करते जा रहे हैं, डिस्टर्ब। इट मीन्स फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उसको सेव कर नहीं रख पा रहे। हम तो आज इंजॉय करेंगे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी, उसमें सफर करेगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। इट मीन्स आज भी आपको क्या करना है, आउटपुट करना, निकालना है, आज भी प्रोडक्शन करना है, लेकिन पास्ट जनरेशन है उसकी कॉस्ट को लगाए बिना, पास्ट जनरेशन की कॉस्ट को नहीं लगाना, उनके लिए भी उसी लैंड को उसी एज इट इज फॉर्म में छोड़ना है, जिस फॉर्म में आज आप उसे यूज कर रहे हो। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वहीं से आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल कब है, व्हेन वी यूज ऑर्गेनिक फार्मिंग। जब हम किसको यूज करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज करें, तो हमारे क्या हो सकती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है। अदरवाइज ग्रोथ तो होगी, डेवलपमेंट भी होगा, बट वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, मीनिंग ऑफ
relies on technique, जो rely मतलब विश्वास करता है techniques की उपस्थित है crop rotation. कहते हैं कि crop rotation होनी चाहिए, हर बार उसी land के ऊपर एक ही crop को बार बार नहीं उगाना है, क्योंकि आप एक ही crop को बार बार उगाओगे तो धीरे धीरे उसकी fertility क्या होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी. For example, rice. जब भी क्या करता है फार्मर, राइस का प्रोडक्शन करता है, तो एक बार राइस का प्रोडक्शन करने के बाद नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर क्या नहीं करता, नेक्स्ट जो भी सीजन आता है उसके अंदर दूसरी क्रॉप को उगाएगा, क्योंकि एक ही क्रॉप को अगर वो बार बार उगाएगा तो राइस के लिए क्या चाहिए, हाई फर्टिलिटी चाहिए, और फर्टिलिटी क्या होती चली जाएगी कम. तो क्या करते हैं कि फिर उसके बाद क्या इस टाइप की क्रॉप को उगाया जाए. फॉर एग्जाम्पल हमने वीट को उगा लिया, मस्टर्ड हमने उगाई है, वो किस लिए, कि उनके लिए क्या नहीं होती, ज्यादा फर्टिलिटी की जरूरत नहीं होती, और क्या होता है कि दोबारा से उसको लैंड को टाइम मिल जाता है अपने आप को क्या करने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए. तो किसका यूज करती है पोल्ट्री फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन को, कि क्रॉप को बदल बदल कर क्या करना है, उगाना है, हर बार सेम ही क्रॉप को वहां पर प्रोड्यूस नहीं करना है. ग्रीन मैन्योर यूज किसका करना है, ग्रीन मैन्योर का यूज करना है कंपोस्ट है, जो कूड़े कचरा होता है, या हमके जो भी हमारा एनिमल मैन्योर्स होते हैं उसे यूज करना है, हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना है. एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, और जो भी हमारे क्या है, जो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल है, जो भी क्या है कीटाणु को कंट्रोल करने वाली जो क्या है दवाइयां, उसका यूज करना है, जिससे क्या हो सके, जो हमारी लैंड की फर्टिलिटी है वो सस्टेन्ड रह सके. क्लियर हो गया. तो क्या था ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो फार्मिंग होती है, वो फॉर्म होता है एग्रीकल्चर का, वो जो किस टेक्निक्स के ऊपर बिलीव करता है, क्रॉप रोटेशन की, हर बार क्रॉप रोटेट हो, सिमिलर क्रॉप को हर बार वहां पर क्या ना किया जाए, प्रोड्यूस ना किया जाए. ग्रीन मैन्योर यूज होने चाहिए, क्या यूज होने चाहिए, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल. क्या करना है, एलिमिनेट कंप्लीटली हैवी ऑन किसका, केमिकल फर्टिलाइजर्स का बिल्कुल एलिमिनेशन करना है, उसको यूज नहीं करना है. टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स का क्या करना है, यूज करना है. अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को जब यूज करेंगे क्यों करते हैं, देखो एक तो कैसा होता है, इको फ्रेंडली होता है, एनवायरमेंट के साथ फ्रेंडली होता है, एनवायरमेंट हमारा पॉल्यूट नहीं होता. इसके अंदर क्या मिलता है, जो हमें हेल्दी एंड टेस्टी फूड प्रोवाइड करवाती है. ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो भी फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स उगाते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, हेल्दी होते हैं, हाइजीनिक होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए कैसे हैं, बेटर. और आज के टाइम में तो ऑर्गेनिक फूड्स की क्या होने लगी, बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी है. हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. दूसरी कंट्रीज के लोग भी क्या किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की ही क्या करते हैं, वो लोग डिमांड करते हैं. अब हम करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं. सबसे पहले है इकोनॉमिकल फार्मिंग. ये कैसी फार्मिंग है, इकोनॉमिकल फार्मिंग है, मतलब कि जो हमारा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है ना, उसके लिए इकोनॉमिकल है. इट मींस अगर वो क्या करता, हाई हैवी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करता, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का वो यूज करता है, तो वो उसके लिए कैसे कॉस्टली. और हमारा फार्मर कैसा है, स्मॉल है और मार्जिनल फार्मर है, उसके पास इतनी मनी नहीं है कि वो क्या कर सके, फार्मिंग कर सके. अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज करता है तो उसके पास एनिमल्स का वो क्या कर, लाइफ स्टॉक उसके पास है, लाइफ स्टॉक से वो क्या कर सकता है, काउडंस का यूज कर सकता है, एनिमल मैन्योर्स का यूज कर सकता है, कंपोस्ट का यूज कर सकता है, जो उसके पास इजिली कैसे है, अवेलेबल है. तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग उसके लिए कैसी हो गई, इकोनॉमिकल हो गई, सस्ती हो गई, मतलब कि ज्यादा खर्चे वाली नहीं है. जो उसके पास खुद के पास क्या है, जो भी फर्टिलाइजर्स है, वो उसी को क्या, किस रूप में, जो ग्रीन मैन्योर के रूप में, एनिमल मैन्योर में, किसी में भी है, वो उसी क्या कर सकता है, यूज कर सकता है. सेकेंड इज जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट. आज ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी हेल्प कर रही है किसमें, इनकम को जनरेट करने में, किसके थ्रू, एक्सपोर्ट के थ्रू. क्यों, मैंने अभी बताया भी था, जो फॉर्मर्स हैं वो आज बिलीव ही किस चीज के ऊपर कर रहे हैं कि हमें जो प्रोडक्ट कंज्यूम करना है, किसका फार्म प्रोडक्ट जो यूज करना है, वो कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए. तो आज हम किसका यूज करते हैं, एनिमल मैन्योर से, इसकी चीजें, इनकी हेल्प से, जब भी हम क्या करेंगे, फूड
ग्रेन को प्रोड्यूस करेंगे तो क्या सा वो हाइजीनिक होगा, हाइजीनिक होगा तो दूसरे लोग क्या करें, इस चीज की डिमांड करें। डिमांड इतनी बढ़ रही है कि हमारे पास क्या इतनी सप्लाई नहीं है। और ये हमें पता है कि जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई कम होती है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ फार्मर की इनकम को जनरेट करवाने में, इनकम को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो हम अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करते हैं तो थोड़ा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, इनकम को जनरेट कर सकते हैं। थर्ड इज प्रोवाइड हेल्दी फूड्स। जब हमारा जो फूड्स है, जो फूड हम कहेंगे जो भी फूड्स है वो किसके थ्रू, ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू उगाया जाएगा तो कैसा होगा, हेल्दी होगा। इट मीन्स उसके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं होंगे और जो क्या करें हमारी मन मींस की बॉडी को क्या करें, इफेक्ट्स करें, इस टाइप्स का कोई केमिकल नहीं होगा। जैसे कि हम मेनली देखते हैं कि हम किचन गार्डनिंग करते हैं, क्या करते हैं किचन गार्डनिंग की है, या हम खुद ही अपने आसपास क्या कर लेते हैं, फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स को उगा लेते हैं, उनका टेस्ट। और अगर हम दूसरी कंट्रीज में क्या करते हैं, वहां से क्या करते, सॉरी हम क्या बाहर से क्या करते हैं, उसी फूड्स को परचेज करते हैं, उन दोनों के बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि जिसको हमने किचन गार्डनिंग के थ्रू जिस भी वेजिटेबल्स को उगाया है, जिस फ्रूट्स को उगाया है, उस ऑटोमेटिकली उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा टेस्ट होता है और वो हमारी बॉडी के लिए भी कैसा होता है, हेल्दी होता है। वही जिस जिन लोगों का, जिस फार्मर का मेन पर्पज क्या प्रॉफिट कमाना हो, केवल किसका यूज कर रहा है, हैवी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करता है, या फिर मैं ये कहूँ जो भी टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स इनका यूज करता है, इसकी हेल्प से क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट के अंदर जो एक्चुअली में जो हाइजेनिक होना चाहिए था वो प्रोडक्ट वो प्रॉपर नहीं मिल पाता, जिससे वो हेल्दी नहीं होता। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज कर रहे हो तो कैसा आपके लिए कंप्लीट हेल्दी फूड्स है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज किया जाएगा तो क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी मिलेगा लोगों को। क्यों? क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर से जो क्रॉप रेडी की जाती है उसमें हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। वही अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी और वो सारी किसकी हेल्प से पूरी होती है, मैन पावर की हेल्प से पूरी होती है। तो मैन पावर की हेल्प से ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करवा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज भी प्रोवाइड करवाती है। फिर है सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट। मैंने भी बताया जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो कैसी है, इको फ्रेंडली है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसी है, इको फ्रेंडली है, जो एनवायरनमेंट को क्या कर रही है, पॉल्यूट नहीं करती। और जब ही अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती है, कंप्लीटली पॉल्यूट करती है। फॉर एग्जाम्पल जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं तो वो क्या करता है, हमारी एयर के साथ भी मिलता है, वाटर के साथ भी मिलता है, सोइल में भी मिलता है, जिस वजह से एयर पोल्यूशंस भी क्रिएट होता है, वाटर पोल्यूशंस भी क्रिएट होता है, और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, सोइल का पोल्यूशन जो सोइल डिग्रेडेशन है वो भी होती है। तो हम जब केमिकल्स का यूज करेंगे तो हमारे चारों तरफ से हम क्या होते हैं, पॉल्यूट होते हैं, तरफ से क्या होते हैं, पॉल्यूट होते हैं। और वहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग का जब यूज किया जाएगा तो हमारी एयर वाटर एंड सोइल सभी कैसे रहते हैं, कंप्लीटली एनवायरमेंटल कैसे होते हैं, इको फ्रेंडली होंगे। तो ये हमारे बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को करने के। तो जो जरूरी है देखो, इसके फायदे हमें मिल रहे हैं, हेल्दी फूड्स मिलता है, टेस्टी फूड्स मिलता है, स्मॉल फार्मर्स के लिए भी यूजफुल है क्योंकि वो भी क्या कर सकता है, इस टेक्निक्स को वो यूज कर सकता है, इनकम जनरेट हो सकती थोड़ा एक्सपोर्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है चैलेंजेस बिफोर ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से पहले क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या किस किस चैलेंज को हमने फेस किया। तो सबसे पहले है लेस पॉपुलर, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो कैसी है, लेस पॉपुलर। लेस पॉपुलर का मतलब है कि इसके बारे में बहुत कम लोग अवेयर हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को करने से क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या फायदे होंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों को अवेयर करवाना कि जितना फायदा किससे हो सकता है, हमें एक ऑर्गेनिक फार्मिंग से हो सकता है, इतना केमिकल फार्मिंग से नहीं होगा। तो क्या है, लेस पॉपुलर जो प्रॉब्लम्स है उसको हम क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। फार्मर्स को अवेयर, आज का फार्मर्स को काफी अवेयर हो चुका है, लेकिन इधर बिफोर ऑर्गेनिक फार्मिंग पर लेस पॉपुलर है।
क्योंकि इसको बहुत से कम लोग जानते, सब क्या सोचते हैं बहुत ज्यादा कैसा होगा, ये कॉस्टली होगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को करने से बचते हैं क्योंकि ये कॉस्टली भी है और टाइमिंग इसके अंदर बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। फिर है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग के सामने चैलेंज भी था क्या, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। जो फार्मर है, फार्मर के पास क्या नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की फैसिलिटीज नहीं है। लाइक हम ये कहें प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज होना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होना, ये फैसिलिटीज फार्मर के पास नहीं है, जिस वजह से वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को नहीं कर पाते। और जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तो टाइम टू टाइम इरिगेशन भी होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद एनिमल्स मैन्योर्स है ये भी कंप्लीट क्वांटिटी के अंदर होने चाहिए, वॉल्यूम्स के अंदर होने चाहिए, जिससे फार्मर्स को क्या हो सके, बेनिफिट्स हो सके। फिर है थर्ड इज लो यील्ड। ऑर्गेनिक फार्मिंग को करने के लिए जो हमारे स्मॉल्स और मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास क्या है, लो यील्ड है, बहुत कम एरिया है जहां वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को करे। देखो अमेरिका किचन गार्डनिंग कर रहे हैं हम लोग, हम कहते हैं हम ऑर्गेनिक भी यूज करेंगे, एक ओनली अपने पर्पज से, फैमिली पर्पज से हमने क्या किया, किचन गार्डनिंग किया, एनिमल मैनर्स को हमने वहां पर क्या किया है, यूज किया, क्योंकि केवल हमने यूज किया कि लो एल्ड, बहुत कम एरिया यूज किया। अगर उसी को हम लार्ज एल्ड के ऊपर, लार्ज एरिया के ऊपर यूज करते तो बहुत ज्यादा क्या हो सकता था, प्रोडक्शन हो सकता था, बट उसके लिए क्या यूज किया था, लो एल्ड, क्योंकि इसको यूज ही कौन करते हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर करते हैं, उनके पास क्या नहीं होती, इतनी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हमें इतनी वॉल्यूम में क्या नहीं होती, लैंड नहीं होती, जिससे वो प्रॉपर क्या कर सके, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसको कर सके। फोर्थ इज शॉर्टर फूड लाइफ। क्या है, शॉर्टर फूड लाइफ। ऑर्गेनिक फार्मिंग की सबसे बड़ी डिमांड्स होती है कि इसके अंदर जो फूड ग्रेन है या फिर जो क्रॉप है उसकी जो फूड लाइफ होती है वो कैसी होती है, बहुत ही कम होती है। केमिकल का तो क्या है, वो केमिकल के थ्रू उगाई गई है, केमिकल लगा के उसको क्या रखते हैं, काफी टाइम तक स्टोर कर रख सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर हमने कोई भी केमिकल यूज ही नहीं किया तो थोड़े टाइम में क्या हो जाएगा, वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कोल्ड स्टोर के अंदर बनाना है, मैंगोज है, एप्पल्स है, वो काफी लॉन्ग टाइम, मतलब अगर वो वन ईयर तक भी सेल ना हो तो उनके अंदर ऐसा केमिकल लगा कर रखते हैं कि वो वन ईयर तक खराब नहीं हो सकते, कोल्ड स्टोर के अंदर की बात कर रही हूँ। लेकिन ये वही अगर आपने किसको यूज किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज किया, उसके थ्रू आपने ये चीजें उगाई हैं, तो आपके पास क्या है, केमिकल नहीं लगा, तो लंबे टाइम तक आप उसको क्या नहीं कर सकते, सेफ कर नहीं रख सकते, वो थोड़े से टाइम के बाद ही क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, उन्हें आपको उसी टाइम क्या करना होता है, सेल करना होता है। क्लियर हो गया। फिर है लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या होती है, लिमिटेड चॉइस होती है क्रॉप की। क्यों, क्योंकि एक टाइम में केवल आप क्या कर सकते हो, एक ही फसल को उगा सकते हो, एक ही क्रॉप को उगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि केमिकल्स को एक साथ आपने बहुत सारी क्रॉप को क्या कर लिया, उगा लिया, तो वहां क्या है, लिमिटेड चॉइस होती है, बहुत कम चॉइस होती है क्रॉप्स के उगाने की। इवैल्यूएशंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब हमने कंप्लीट रूरल डेवलपमेंट चैप्टर्स को क्या कर लिया, स्टडी कर ली, अभी भी हम इसकी जब क्या करते हैं, इवैल्यूएशंस करते हैं, इवैल्यूएशंस के सामने नजर आता है कि नहीं, अभी भी रूरल डेवलपमेंट को कुछ चीजों की क्या है, जरूरत है, कि अभी भी हमारा जो रूरल एरिया है वो कैसा है, बैकवर्ड है। अब उसको और भी ज्यादा डेवलप करने के लिए हमें और भी जरूरत है, क्या क्या करने की जरूरत है, तो वो है फर्स्ट चीज स्ट्रेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। जरूरत है अभी हमें नीड टू डाइवर्सिफिकेशन टू रूरल एरियाज फॉर वाइब्रेंट, क्या करने के लिए, उसको रूरल एरियाज को वाइब्रेंट करने के लिए अभी भी हमें डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि आज का जो फार्मर है वो भी किसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है, फार्मिंग एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड है, वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो नॉन फार्मिंग की साइड क्या नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है, या फिर हम ये कहें आज भी फार्मर सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर बिलीव करता है, इसको बिलीव करता है, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर बिलीव करता है, उसे मल्टी क्रॉपिंग के ऊपर क्या करना होगा, डाइवर्सिफाई करना होगा, तो या तो उसे क्या करो, सिंगल से मल्टी क्रॉपिंग के ऊपर डाइवर्सिफाई करो, दूसरा उसको बताना है कि इस फार्मिंग के अलावा भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं जहां पर आपको क्या मिल सकती है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है,
कि आप वेलिंग है, फिशिंग है, हॉर्टिकल्चर से आईटी सेक्टर्स के अंदर जाकर क्या कर सकते हो, अदर इनकम्स को भी अर्न कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वो स्ट्रेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन को क्या करना, बढ़ाना, उनको बताना जरूरत है अभी। फिर रूरल और अर्बन लिंकेज, इस चीज की भी जरूरत है। अभी भी हमारी कंट्री के अंदर काफी रूरल एरियाज ऐसे हैं जो अर्बन एरियाज से बिल्कुल कैसे हैं, डिस्कनेक्ट हैं। कैसे हैं, डिस्कनेक्ट हैं, अर्बन एरिया से काफी दूर हैं। जो फैसिलिटीज एक फार्मर को रूरल एरियाज के पर्सन को मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज उन्हें नहीं मिल पाती। तो जरूरत ये है कि रूरल एरिया को अर्बन एरियाज के साथ क्या करना, जोड़ना, जिससे फार्मर को टाइम के टाइम पर सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, ये उसे मिल सके। क्योंकि अर्बन एरियाज के अंदर सारी फैसिलिटीज होती है, और दूसरा उसको एक प्रॉपर एक ऐसी मार्केट मिल सके जहां वो अपनी जो भी क्रॉप है आफ्टर कल्टीवेशन क्रॉप्स को या फूड ग्रेन को मार्केट में सेल कर सके। तो क्या है, रूरल अर्बन एरियाज के बीच में लिंकेज होना जरूरी है। थर्ड इज बेटर फैसिलिटीज। आज के फार्मर को, आज के रूरल एरियाज को बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी जरूरी है। जैसे कि इसी में हमने पढ़ा था, जैसे फर्स्ट क्या थी कि हमारे सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, उनको क्रेडिट की सोर्स प्रोवाइड करवाओ। फार्मर्स, आज का जो फार्मर है अब वो किसके ऊपर डिपेंड होता जा रहा है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, क्योंकि उससे फार्मर का क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्टेशन हो रहा है। उस एक्सपोर्टेशन से बचाने के लिए उसे बेटर क्रेडिट फैसिलिटीज देनी होंगी, न्यू कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज ओपन करनी होंगी, और भी ज्यादा आरआरबी बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो एस्टेब्लिश करनी होंगी रूरल एरियाज में, और फार्मर्स को प्रमोट करना होगा, उन्हें बताना होगा कि जो फॉर्मेलिटीज करते हैं बैंकिंग के लिए उन फॉर्मेलिटीज को और भी इजी करना होगा, जिससे फार्मर इजी क्या कर सके, इन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन ले सके, उनकी जो सेविंग की जो कैपेसिटी है, सेविंग की जो हैबिट्स है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, फोर्थ हम कहें कि क्या जरूरी है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मेजरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है उनके अंदर, कि उनके लिए प्रॉपर मार्केट प्रोवाइड करवाना, एमएसपी पॉलिसी को प्रोवाइड करवाना, बफर स्टॉक्स को क्या कर लेना, क्रिएट कर लेना, फेयर प्राइजेस उनको प्रोवाइड करवाना, ये सारी क्या है, बेटर फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए फार्मर्स को। दूसरा, उनको टाइम टू टाइम अवेयर करवाते रहना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें उन्हें बताते रहना, ये किसके अंदर आएगा, बेटर फैसिलिटीज के अंदर। एंड मोर फोर्थ है, मोर एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज के फार्मर को ये अवेयर कराना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस किसकी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है, कि आप इस लैंड को कंप्लीटली डिसग्रेड मत कीजिए, क्योंकि इस लैंड को जिस फॉर्म में आप यूज कर रहे हो उसको एलिटी, उसकी फर्टिलिटी इस तरह से बनाकर रखिए जिससे क्या हो कि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो उसी को उसी सेम वे में क्या कर सके, यूज कर सके। इट मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जितना आपको मिला है उतना ही आपकी फ्यूचर जनरेशन भी क्या करे, उसको ले सके। उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्या करनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, बतानी है कि आप कन्वेंशनल जो फार्मिंग है, हम ये कहें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, इसको यूज ना कर आप किसको ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या कीजिए, यूज कीजिए, उन्हें टाइम टू टाइम अवेयर कराइए ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या है, उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उससे आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है। तो ये इवैल्यूएशन से रूरल डेवलपमेंट की जो बहुत ज्यादा जरूरी है रूरल डेवलपमेंट एरियाज के लिए।